बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो तमाम अफराद जिन्होंने एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था, उनको ये मैसेज आ रहा था कि आपकी जांच पड़ताल के बाद आपको हतमी तौर पर बता दिया जाएगा आपको पैसे मिलने हैं या नहीं मिलने। तो जिनको जाँच पड़ताल वाला मैसेज आ रहा था, उनकी परेशानी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ अगर आपको जाँच पड़ताल वाला मैसेज आया है तो। दोस्तों, इस वक्त आप देख सकते हैं मैं डॉक्टर सानी निश्चर के ट्विटर अकाउंट के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पे 15 घंटे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है, क्या आपको 8171 से जांच पड़ताल का एसएमएस मिला है? अगर आपको एसएमएस मिला है तो इसका मतलब क्या है? मैंने इसको ओपन कर लिया है, इसके ऊपर डिटेल आपकी लिखी हुई है। अगर आपको जाँच पड़ताल वाला मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, तफसील के साथ इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम की जानिब से अपडेट आई है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं आपको अहलियत के बारे में की जांच पड़ताल के बाद मुतल किया जाएगा। अगर आपको यह मैसेज आ रहा है जब आपने 8171 के ऊपर अप्लाई किया था, उसके बाद आपको यह मैसेज आया था जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, नीचे आपको बताया गया है, जिन अफराद को 8171 से यह एसएमएस पैगाम वसूल हुआ है उनके क्वैफ की जाँच पड़ताल अभी जारी है। उनको 15 दिन के अंदर अंदर अहलियत के बारे में हतमी पैगाम 8171 से ही मौसूल होगा। तो ये आपकी परेशानी खत्म हो चुकी है, 15 दिन के अंदर आपको बता दिया जाएगा आपको 12,000 रुपए मिलने हैं या नहीं मिलने, आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं या फिर अहल नहीं है। क्योंकि दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको मुकम्मल एक वीडियो बना के दे चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जांच पड़ताल के अंदर हजारों नहीं कई लाख लोग जो है जिनको ये मैसेज आ रहा है जांच पड़ताल वाला, तो हुकूमत जो है हर आदमी को 12,000 रुपये नहीं दे सकती। इसमें बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनकी दिल आजारी होगी, जिनको 12,000 रुपये नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी किस्मत के ऊपर, मैं तो ये कह सकता हूँ। इसकी वजह यह है, ये जो तमाम अफराद जिनको ये मैसेज आ रहा है कि आपकी जाँच पड़ताल के बाद आपको मुतल किया जाएगा, इसमें हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनको ये मैसेज आ रहा है। तो चंद एक ऐसे अफराद होंगे खुशकिस्मत जिनको 12,000 रुपए रिसीव होंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था, जो वीडियो मैंने जांच पड़ताल के ऊपर बनाई थी, कि पाकिस्तान के 12 करोड़ आवाम जो है वो गरीब है, तो तकरीबन 2 से 3 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया हुआ है इस प्रोग्राम के लिए, एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए। तो हुकूमत हर आदमी को 12,000 रुपए नहीं दे सकती भाई, हुकूमत के पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है। तो 12,000 रुपया अगर आपको दिया जाता है तो आपको खुशकिस्मती है, अगर आपके मैसेज आ रहा है तो। तो साथ ही मैं आपको दोस्तों ये भी बताता चलूं कि अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो नीचे आपको नंबर दिया हुआ है इनका, एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम वालों का, आप इसके ऊपर कॉल करें, ठीक है। पहले तो आप सब्र करें 10 से 12 दिन, ठीक है। जब 10 से 12 दिन आप सब्र करेंगे, इसके बाद अगर आपको फाइनल मैसेज आ जाता है या 12,000 रुपये गया, तो आप रिसीव कर सकते हैं 12,000 रुपये को। अगर आपको फाइनल मैसेज नहीं आता 12,000 रुपये का, फिर दोस्तों आपने क्या करना होगा, आपने इस नंबर के ऊपर कॉल करनी है। नंबर के ऊपर कॉल के बाद आपने उनको अपना शनाख्ती कार्ड बताना होगा, शनाख्ती कार्ड नंबर बताना होगा, आपने उनको बताना है मुझे बताया जाए कि मुझे पैसे मिलने हैं या नहीं मिलने, मेरे ऊपर मुश्किल हालात हैं, मुझे पैसों की जरूरत है। हो सकता है कि आपका नाम भी है उस लिस्ट के अंदर रख लिया जाए कि आपको 12,000 रुपए दे दिया जाए, या फिर आपको आपकी दरख्वास्त के बारे में कम अज कम बता दिया जाएगा कि आपकी दरख्वास्त कबूल हो चुकी है या नहीं हुई, आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये एक मुकम्मल तरीकाकार है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप मालूम कर सकते हैं कि कैश प्रोग्राम की जानिब से आपको 12,000 रुपए रिसीव होंगे या नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के मजीद अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब